देखेंगे हाइपर, सबसे पहले हाई रिस्क प्रेगनेंसी और हम लोग हाइपर एमेसिस ग्रेविडम की बात करेंगे इसमें। तो सबसे हाई रिस्क प्रेगनेंसी का मतलब क्या होता है कि मतलब वो प्रेगनेंसी जिसका आउटकम है वो मदर और फीटल के लिए जो है वो डेंजरस हो, उसको हम लोग बोलते हैं हाई रिस्क प्रेगनेंसी। वो कुछ फैक्टर की वजह से हो सकता है वो मैटरनल फैक्टर हो सकता है वो फीटल फैक्टर हो, तो इसका हाई रिस्क प्रेगनेंसी किसको बोलेंगे। जैसे डायबिटिक प्रेगनेंसी में जो मदर डायबिटीज है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी हम लोग किसको बोलते हैं, डायबिटिक है मदर, हाइपरटेंशन है, अनेमिक हो गया, या फिर एल्डरली ग्रेविडा है मतलब ग्रेटर दैन 30 ईयर है वो, उसके बाद बोल दिया हाइपर एमेसिस। तो ये जो चार पांच चीज़ें हैं ये सब हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आती है, तो ये हो गया। देन इसके बाद अब इसका कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होता है, कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाई रिस्क प्रेगनेंसी का होता है जो बेबी होता है वो प्री टर्म हो सकता है बेबी प्री टर्म हो, क्योंकि प्री टर्म कैसे होगा, क्योंकि सपोज अब हाई रिस्क प्रेगनेंसी है तो डायबिटिक मदर हो सकता है, उसको लेबर जो है जल्दी स्टार्ट हो जाए, या फिर हाइपरटेंशन में जल्दी लेबर स्टार्ट हो जाए, तो उसकी वजह से क्या होगा, प्री टर्म लेबर हो सकता है उसका मेम्ब्रेन रेप्चर हो जाए। मेम्ब्रेन क्यों रेप्चर हो सकता है, क्योंकि हाइपरटेंशन है, तो वहाँ पे प्रीएक्लम्सिया वगैरह से वहाँ हो सकता है मेम्ब्रेन रेप्चर हो जाए, फीटल डिस्ट्रेस हो सकता है, तो ये सब कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। मैटरनल ब्लीडिंग और मैटरनल इन्फेक्शन भी हो सकता है, क्योंकि डायबिटीज है तो वहाँ पे पहले से ही एक तो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, प्लस वहाँ पे प्रेगनेंसी में और प्लस डायबिटीज है, तो हानिकारक हो सकता है मदर के लिए। तो कॉम्प्लिकेशन प्री टर्म बेबी हो सकता है, पेल्विक मैटरनल ब्लीडिंग यही प्री एक्लेम्सिया की वजह से हो सकता है, क्योंकि हो सकता है उसकी वेसल जो है फट जाए हाइपरटेंशन की वजह से, तो ये सब अपना हो गया। अब हम लोग देखते हैं इसमें क्या होता है, अब हम लोग टॉपिक देखते हैं हाइपर एमेसिस ग्रेविडम हम लोग देखते हैं। हाइपर एमेसिस ग्रेविडम किसको बोलते हैं, जो प्रेगनेंसी में जो बेसिकली जो नॉर्मल मॉर्निंग सिकनेस जो होता है उसको, लेडी में नॉर्मल जो नोजिया वोमिटिंग होती है उससे कहीं ज़्यादा उसको वोमिटिंग हो, तो उससे कहीं ज़्यादा वोमिटिंग हो जिसको जो जिसके डेली डे टू डे एक्टिविटी में उसको इंटरफियर करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइपर एमेसिस ग्रेविडम। अब हाइपर एमेसिस ग्रेविडम का कॉज क्या होता है, बेसिकली हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से हाइपर एमेसिस ग्रेविडम होता है। तो सबसे पहले और अगर कॉमन कॉज हम लोग देखते हैं कि जो कि प्रेगनेंसी में ओमेटिंग करा सकते हैं, पर ये हाइपर एमेसिस ग्रेविडम नहीं है, मतलब जो हाइपर एमेसिस ग्रेविडम है वो प्रेगनेंसी की वजह से कुछ हार्मोनल डिस्टर्बेंस हुई है उसकी वजह से ओमेटिंग हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइपर एमेसिस ग्रेविडम। पर कुछ और भी कारण होते हैं जिससे प्रेगनेंसी में ओमेटिंग हो सकती है, पर उसको हम लोग हाइपर एमेसिस ग्रेविडम में हम लोग नहीं गिनते। तो कॉमन कॉज क्या क्या है जो प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग करा सकते हैं, जैसे मेडिकल कॉजेस में जैसे यूटीआई हो गया, इंटेस्टाइनल कोई मैनिफेस्टेशन है वहाँ पे, हिपेटाइटिस हो गया तो यूटीआई इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन, मतलब इंटेस्टाइनल वॉर्म इन्फेक्शन है कोई, और हिपेटाइटिस वगैरह हो सकता है उसको, यूरेमिया हो और कीटो एसिडोसिस ऑफ डायबिटीज़ हो, ये हो सकता है। उसके बाद अपेंडाइटिस हो सकता है, उसको अपेंडाइटिस हो, पेप्टिक अल्सर हो, या फिर रेड डिजनरेशन ऑफ फाइब्रॉइड, तो ये सब रीजंस होते हैं कि वो वोमिटिंग करा सकते हैं। पर बेसिकली अभी मैंने बताया जो हाइपर एमेसिस ग्रेविडम होता है वो कॉज होता है, जो ये सब हम लोग ने देखा अभी ये कॉज है प्रेगनेंसी में वोमिटिंग करा सकते हैं, पर ये हाइपर एमेसिस ग्रेविडम नहीं है। हाइपर एमेसिस ग्रेविडम मतलब प्रेगनेंसी की वजह से हार्मोनल डिस्टर्बेंस हुई है उसकी वजह से वोमिटिंग हो रही है, उसको बोलेंगे हाइपर एमेसिस ग्रेविडम। तो इसमें क्या होता है, SCG जो होता है मेल कल्प्रिट होता है ये बढ़ता है और वोमिटिंग होती है। अब SCG हम लोग को देखना है किन किन कंडीशन में बढ़ता है, तो जैसे अब SCG किन किन कंडीशन में बचेगा, जैसे बच्चा ट्विंस हो या फिर ट्रिपलेट हो या फिर मोलार मतलब एक जेनेटिक कंडीशन होता है, मोलार प्रेगनेंसी हो, या फिर थायरोटॉक्सिकोसिस है, या फिर हाइपोथायरोडिज्म हो, तो ट्विंस हो गया, ट्रिपलेट हो गया, मल्टीपल प्रेगनेंसी हो, जैसे मल्टीपल प्रेगनेंसी, मोलार प्रेगनेंसी, तो ट्विंस, ट्रिपलेट, मल्टीपल प्रेगनेंसी, थायरोटॉक्सिकोसिस और ये सब क्या होते हैं, ये सब बेसिकली SCG को लेवल को इंक्रीज कर देते हैं, क्योंकि क्या होता है जो SCG होता है और TSH, ELH और FSH इनका अल्फा रिसेप्टर यूनिट सेम होता है, तो बॉडी क्या लगता है कि TSH बढ़ा रहेगा, बॉडी क्या लगता है कि मेरा बीटा SCG बढ़ गया है, तो ये होता है, तो इसकी वजह से वो मीटिंग होता है। और कभी कभी क्या होता है रिसेप्टर से जाके SCG ज्वाइन कर लेता है तो SCG बढ़ जाता है उसमें, तो ये सब अपने कारण हो गए। अब SCG के साथ भी कुछ हार्मोन होते हैं जो वोमिटिंग के लिए इसको
और प्रोन कर देते हैं, जैसे इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, इनका भी लेवल क्या होता है, बढ़ता है प्रेगनेंसी में। अपने को पता है नॉर्मल इस्ट्रोजन के लेवल में जब प्रेगनेंट लेडी में जो लेवल है बढ़ता है, वो 1000 to 10000 तक बढ़ता है प्रेगनेंसी में इस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन। जो नॉर्मल है जो प्रेगनेंट नहीं है, और जब प्रेगनेंट हुई तो जो नॉर्मल था सपोज यक्स था, तो 1000 to 10000 अपना बढ़ता है इस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी में। और जो नॉर्मली हम लोग नॉर्मल बॉडी में इस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन होता है, और जो ओसीपी लेते हैं उनमें वो 50 to 100 टाइम होता है ओसीपी में इस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, ये भी अपने को ध्यान रखना है। अब सिम्टम इसमें देखते हैं, सिम्टम क्या क्या होते हैं, तो इसमें होगा नौजिया होगा, वोमिटिंग होगा, अब इसको स्टारवेशन होगा, अब वहाँ पर डिहाइड्रेशन होगा क्योंकि वोमिटिंग हो रही है, अब वहाँ पर कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, एपिगैस्ट्रिक पेन होगा क्योंकि बार बार वो इरीटेट करता है वहाँ पर, उसको एंजाइटी हो सकता है, हाइपोटेंशन हो सकता है, हाइपोटेंशन क्यों हो सकता है, हाइपोटेंशन डिजीनेस क्यों हो रहा है क्योंकि वहाँ पे वेटिंग हो रही है, तो ब्लड वॉल्यूम कम हो रहा है, तो ब्लड प्रेशर वहाँ पे कम होगा, तो हाइपोटेंशन एंजाइटी, अब लेस यूरिन बनेगा क्योंकि उसमें लेस यूरिन क्यों बनेगा क्योंकि वहाँ पे वेटिंग हो रहा है, तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग होगी, तो ये सब अपना रीजन हो गया, ये सब इसमें क्या हो गया, सिम्टम्स हो गया। अब हम लोग इन्वेस्टिगेशन क्या कराते हैं वो देखते हैं हम लोग, इन्वेस्टिगेशन तो इन्वेस्टिगेशन में CBC हम लोग करा देते हैं, उसमें CBC हीमोग्लोबिन का लेवल देखने के लिए, WBC का इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है, RFT KFT हम लोग करा देते हैं, KFT हम लोग करा देते हैं, यूरिन टेस्ट, थायरॉइड टेस्ट हम लोग ESG करा देते हैं, तो ये सब हम लोग नॉर्मल टेस्ट हम लोग करा देते हैं, और ESG भी हम लोग करा देते हैं। अब कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, अगर हम लोग इसको ट्रीट नहीं करें तो इसको कॉम्प्लिकेशन क्या होगा कि बार बार वो मीटिंग करेगी तो मेलोरवी सिंड्रोम होगा, मतलब अल्सर फॉर्म हो जाएगा, इसोफेगस टीयर हो जाएगा वहाँ पे, और क्या होगा डिहाइड्रेशन हो जाएगा उसमें, डिहाइड्रेशन होगा तो वहाँ पे शॉक हो सकता है उसको, स्टमक में अल्सर हो सकता है क्योंकि बार बार वो वहाँ पे खांस रहे तो इरिटेट हो जाए, तो स्टमक अल्सर हो सकता है, और विटामिन की डिफिशेंसी हो सकती है वहाँ पे, विटामिन बी और विटामिन के की डिफिशेंसी हो सकती है इससे, तो ये कॉम्प्लिकेशन में हो गए, तो ये सब हो गया, और स्टमक अल्सर हो सकता है, कीटो एसिडोसिस भी हो सकता है, तो ये हो गया अपना। देन इसके बाद इसका मैनेजमेंट हम लोग क्या देते हैं, सबसे पहले मैनेजमेंट हम लोग इसमें एडमिट करते हैं और पेशेंट में IV फ्लूड देते हैं, अब IV फ्लूड देते हैं और ब्लड, और क्या होता है, अब हम लोग IV फ्लूड देने के बाद हम लोग एंटीएमेटिक कुछ देते हैं, जैसे डॉक्सिला B6 मतलब डॉक्सिलामीन प्लस पायरिडॉक्सिन, ये हम लोग इसको देते हैं। अब डॉक्सिलामीन और B6 ये मॉर्निंग सेशन में ड्रग ऑफ चॉइस होती है, सपोज़ डॉक्सिलामीन और विटामिन B6 ये नहीं ठीक हुआ, वोमिटिंग नहीं बंद हुआ, तो हम लोग इंजेक्शन देते हैं, इंजेक्शन ओंडेंसेट्रॉन प्लस हम लोग इंजेक्शन एक सॉरी इंजेक्शन ओंडेंसेट्रॉन प्लस इंजेक्शन प्रोमेथाजिन, इसको हम लोग कंबाइन करके देते हैं। और सपोज अगर इससे नहीं ठीक हुआ तो हम लोग का लास्ट ऑप्शन क्या रहता है, हाइड्रोकोर्टिजोन बेसिकली लास्ट ऑप्शन रहता है, तो ये हो गया हाइड्रोकोर्टिजोन प्लस इसमें एक है प्रोक्लोर पेनाजिन, इसको भी हम लोग ऐड करते हैं इसमें। तो सबसे पहले डॉक्सिला B6 नहीं आराम हुआ तो प्रोमेथाजिन और ओंडेंसेट्रॉन, और इससे भी नहीं ठीक हुआ तो ये अपना हाइड्रोकोर्टिजोन देते हैं। पर अगर क्या हो नॉर्मली अपने को डॉक्सिलामीन B6 से ही उसमें आराम मिल जाता है, और नहीं तो वो लास्ट में जो सेकंड वाला उससे तो आराम मिल ही जाता है उसमें। अब हम लोग इसमें क्या करते हैं, विटामिन B6 हम लोग पेशेंट को विटामिन B6 का इंजेक्शन देते हैं, मल्टी विटामिन उसको नियोबायोन, हम लोग उसको नियोबायोन कैप्सूल देते हैं 3 दिन के लिए, नियोबायोन इसमें मल्टी विटामिन होता है क्योंकि विटामिन की डिफिशियंसी हो जाती है वहाँ पर, तो हम लोग यहाँ पर न्यूरोबायोन विटामिन B कैप्सूल ये सब यहाँ पे विटामिन B कॉम्प्लेक्स का टैबलेट देते हैं, और इंजेक्शन थायामिन जो होता है, इंजेक्शन थायामिन 100 mg हम लोग देते हैं उसमें, और इंजेक्शन विटामिन के हम लोग देते हैं क्योंकि हम लोग ने देखा अभी क्या होता है इसमें विटामिन B कम हो जाता है, तो विटामिन के का इंजेक्शन हम लोग देते हैं, 1 ml ऑयल हम लोग देते हैं 3 दिन के लिए। तो ये डे जरूरी नहीं है, बस अपने को याद रखना है कैसे फॉर्मेट है। तो दिस इज ऑल अबाउट द हाइपरएमेसिस ग्रेविडम।